अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर बेस्ट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तोरी बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत इजीली बन जाती है और गर्मियों में बहुत मुफीद है। ये सब्ज़ी ठंडी होती है, तोरी की सब्ज़ी, और ये लाजमी खानी चाहिए। ये देखिए जी, हमने प्याज ब्राउन कर रहे हैं इस साइड पे। जब ये हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, इस तरह से हम इसको निकाल देंगे और साइड पे निकाल के रख देंगे। ये एंड में जाएगी, मैं आपको बाद में बताऊंगी कब जाएगी। ये देखिए जी, इस तरह से हमने निकाल लेनी है प्याज इसमें, और ये कम से कम 2-3 अदद प्याज है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इस तरह से गोल्डन सेट से रीसी हो जाए तो हमने इसको निकाल लेना है। और जब देखिए थोड़ी सी रह गई है, और जब इतनी सी रह जाएगी तकरीबन एक प्याज इतनी, तो हम फिर इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये देखिए जी, बस इतनी सी बहुत है इसके लिए। अब देखिए तकरीबन ये एक प्याज इसमें रह गई है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नमक और कुटी हुई मिर्च। इसमें सिर्फ ये तीन चीज़ें डलेगी और इसमें कुछ भी नहीं डलेगा। और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है और बहुत इजीली बन जाती है। ये देखिए जी, हमने ज़रा सी 2-3 मिनट जस्ट इसकी भुनाई करनी है। ये देखिए जी, अब हमने इसमें डाल देनी है तोरी। ये हमारी तोरी है, 3 किलो है, क्योंकि ये बन के बहुत थोड़ी सी हो जाती है। बिल्कुल इसमें सारा पानी होता है जो निकल जाता है, ये बहुत थोड़ी सी रेडी होती है। जब ये तैयार हो जाती है तो ये बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए, अब माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे लग रहा है हांडी फुल हुई हुई है। इसको हम 1-2 चम्मच हिला के साथ ही हम इसके ऊपर डाल देंगे 5 अदद टमाटर इस तरह से। ये देखिए जी, अब हमने इसको ढक के रख देना है। ये देखिए जी, अब ये इस तरह से हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे जी जो हमने प्याज रखी हुई थी, वो अब हम इसमें डाल देंगे। मैं वॉइस ओवर नहीं करती क्योंकि बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है। मेरी 3-4 बहनों ने मुझसे कहा था कि आप वॉइस ओवर किया करें, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ इसलिए मैं नहीं करती। तो आज मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर दूँ। ये देखिए जी, अब हम इसको 2-3 मिनट जस्ट फुल फ्लेम पे पकाएंगे इस तरह से। ये देखिए जी, हमारी तोरी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए जी, दिस इज़ फाइनल लुक। इसी के साथ ही आज के व्लॉग का करूँगी एंड। मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।